हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कि आईआईटी जेई का प्रिपरेशन हो या नीट का प्रिपरेशन हो, तो उसमें सेल्फ स्टडी का कितना इम्पोर्टेंस होता है या सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम हमें डिवोट करना चाहिए, है ना। अभी भी यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। लोग बाजारों में घूम रहे हैं, बाजार में दुकानें जो हैं वो खुलने लगी हैं, है ना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस की जो महामारी है वो फैली हुई है हर तरफ, है ना। और इस महामारी में सबसे ज़्यादा जो लोग बातें कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके बारे में, है ना। तो आखिर ये जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या होता है? जो इम्यूनिटी है इसको हिंदी में कहा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारी जो बॉडी होती है उसका अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो किसी भी बीमारी या वायरस के अगेंस्ट जो है वो अप्लाई करता है। जैसे कभी भी हमारी तबीयत खराब होती है, मतलब कोई वायरल होता है, वायरस कोई पकड़ता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना जो है वो कोई बीमारी नहीं है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना जो है वो एक तरह से बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। बॉडी अपना टेम्परेचर इसलिए बढ़ाता है कि कई सारे वायरस जो हैं उस टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो वायरस मर जाएगा तो हमारा बुखार भी उतर जाता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, है ना। अब ऐसे समझ सकते हैं कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा है जो कि रेगुलर एसी में रहता है ना। एसी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा एक नॉर्मल लेवल पर मेंटेन किया हुआ है। उस बच्चे को ना ज़्यादा धूप लगता है, ना ज़्यादा गर्मी लगती है, ना बरसात को ज़्यादा झेलता है, ना वो ठंड को ज़्यादा झेलता है। एक दूसरा बच्चा है जो कि सारे इन्वायरमेंट को झेलता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी रहता है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में भी रहता है, वो जो धूल लकड़ होते हैं सब कुछ झेलता है, है ना। मतलब वो खुले वातावरण में रहता है, ऐसा समझ सकते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम किसकी अच्छी होगी? ओब्वियसली इम्यूनिटी सिस्टम उस स्टूडेंट की, उस बच्चे की ज़्यादा होगी जो हर तरह के वातावरण को झेलने की क्षमता रखता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है वो आईडीजी के प्रिपरेशन में कहें या पढ़ाई में कहें वो अप्लाई होता है ना। आईडीजी के प्रिपरेशन करने जो बच्चे आते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा सारा काम टीचर कर दें, टीचर थ्योरी पढ़ाएंगे, टीचर जो है न्यूमेरिकल सोल्व कराएंगे, है ना, टीचर जो है डाउट बताएंगे, रिवाइजी वही कराएंगे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो 5 घंटे तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर 5 घंटे कोचिंग में पढ़ते हैं, 10 घंटे ऐसे हो गए उनके, उसके बाद मुश्किल से 1 या 2 घंटे वो घर पे पढ़ पाते हैं, जिसको हम लोग एक्चुअली में सेल्फ स्टडी कहते हैं, वो केवल 1 से 1.5 घंटे करते हैं, 2 घंटे करते हैं, है ना। तो वो जो है वो खुद सवाल को सोल्व करने की, उसके आंसर तक पहुंचने की हैबिट नहीं बनाते, उनकी आदत नहीं पड़ती, उनसे आंसर निकलते नहीं है, है ना। और ऐसे बच्चों का आईआईटी में सेलेक्ट होने का जो चांस है बहुत ही कम होता है, ठीक। जबकि दूसरे तरह के भी बच्चे होते हैं जो थ्योरी तो टीचर से सीखते हैं, थ्योरी सीखते टाइम में भी खुद का दिमाग लगाते हैं, खुद जो है कई सारी चीज़ें आसपास में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुद समझने की कोशिश करते हैं, है ना। और जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो न्यूमेरिकल खुद ही सोल्व करते हैं, और हर सवाल से वो खुद जूझते हैं, उसके आंसर तक पहुँचने की खुद कोशिश करते हैं। थोड़ा मोड़ा कभी डाउट आता है तो जाकर टीचर से पूछते हैं, टीचर का काम उनके लिए भी है, लेकिन एक्चुअली में वो जो सीखते हैं वो सेल्फ स्टडी की वजह से सीखते हैं। क्योंकि फाइनली आप देखें तो जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम में तो कोई टीचर होते नहीं, है ना। तो एग्ज़ाम में जो बच्चा है उसको खुद ही सवाल से जूझना होता है, खुद ही आंसर तक पहुँचना होता है ना। तो जब तक उस सवाल से जूझने की, उसके आंसर तक पहुँचने की हैबिट आदमी नहीं डालेगा, हैबिट किसी स्टूडेंट के पास नहीं होगी, तो वो किस तरह से जो है एग्ज़ाम में सवाल को सोल्व कर पाएगा, है ना। जितना ज़रूरी क्लासरूम में जाकर के थ्योरी पढ़ना होता है उतना ही ज़रूरी सेल्फ स्टडी भी होता है ना।
अगर हम बात करें IIT JEE के प्रिपरेशन की, तो IIT JEE का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही मुश्किल होता है। उसमें इंडेक्स पढ़ाई की ज़रूरत होती है, बहुत सारे ऐसे मुश्किल सवाल होते हैं, है ना, उनको सोल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो तभी हो सकता है जब आप सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी कर करके खुद जो है वो सवालों से जूझना शुरू करें, खुद जो है आंसर तक पहुंचना शुरू करें, है ना। तो इस तरह से आपको वो तरीका समझ में आ जाएगा जिस तरीके से आंसर तक पहुंचा जा सकता है ना। आपके अंदर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। जैसे मैंने बात किया कि वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी सिस्टम काम आता है, तो वैसे ही इस एग्जाम के लिए आपके अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाएगा, ऐसी एबिलिटी आ जाएगी कि आप किसी भी सवाल को जो है आप सोल्व कर सकते हैं, है ना। अगर वो तरीका आपको आ गया, है ना, तो कोई भी सवाल हो उसको आप सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है समय थोड़ा ज्यादा लगे, किसी किसी सवाल में समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है, लेकिन जब आप एक बार आंसर निकालना शुरू कर देंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ, बस किसी में ज़्यादा समय लगता है, किसी में कम समय लगता है। मैंने अपने एक पुराने वीडियो में बताया था कि हर स्टूडेंट को रोज़ कम से कम 12 घंटे पढ़ना चाहिए, जिसमें से 7.5 घंटे मैंने बताया था कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए, है ना, चाहे होमवर्क करना हो, DBBS सॉल्व करना हो, चाहे जो लेक्चर पढ़ाया गया हो उसको एक बार घर पर समझना हो, है ना। क्लास में क्या होता है, क्लास में टीचर अपने तरीके से समझाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपका जो जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करते रहते हैं इधर उधर, लेकिन घर पे जब आप होते हैं तो बिल्कुल फ्री होते हैं। आपको जिस पॉइंट पर पढ़ना होता है, जिस पॉइंट पर समझना होता है, जिस पोर्शन को समझना होता है, आप उसी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखते हैं जो आप सीखना चाहते हैं, है ना। सेल्फ स्टडी की ये खासियत है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल फ्री मन से आदमी पढ़ता है और जो चीज़ सीखना चाहता है वो सीखता है। तो सीखने के लिए सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और चूंकि IIT JEE में बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उतने लेवल तक इन डेप्थ पढ़ाई करने के लिए सेल्फ स्टडी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको दो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट और एक बहुत ही बड़े अथर की कहानी सुनाऊंगा, देखेंगे कि उनकी लाइफ में सेल्फ स्टडी का कितना इम्पोर्टेंस रहा है, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सुनेंगे न्यूटन के बारे में, न्यूटन की कहानी सुनेंगे, है ना। न्यूटन जब 23 साल के थे तब भी एक बहुत ही बड़ी महामारी फैली थी, जैसे आजकल कोरोना वायरस की महामारी फैली है, तो लोग कहते हैं कि ऐसी महामारी हमने कभी देखी नहीं थी, ऐसा कभी देखा नहीं था कि पूरा जो दुनिया है वो लॉकडाउन हो गया है, है ना, सब लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं, है ना। लेकिन ऐसा पहले भी हुआ था, जिस तरह से आज कोरोना वायरस की महामारी फैली है उसी तरह से उस टाइम प्लेग की महामारी फैली हुई थी। उस टाइम में जो न्यूटन थे वो ब्रिटेन में रहते थे, ब्रिटेन में पढ़ रहे थे, तो उनका जो यूनिवर्सिटी है वो 2 सालों के लिए बंद हो गया था, है ना। वहाँ पर भी लॉकडाउन चल रहा था, 2 साल के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें 2 साल के लिए उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो बंद हो गई थी। तब 2 साल वो अपने घर पर रहे, घर पर बहुत सारी उन्होंने किताबें पढ़ी, और वहाँ पर रह करके दो बहुत ही बड़े इन्वेंशन किए। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जो कैलकुलस होता है ना, कैलकुलस का जो डिस्कवरी है वो न्यूटन ने उसी लॉकडाउन के दौरान किया था। उसी लॉकडाउन के दौरान जो फेमस एप्पल वाली घटना थी वो हुई थी, जब वो अपने बाग में टहल रहे थे, और उसकी वजह से उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो डेराइव किया था, ठीक। जब वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो 2 साल बाद न्यूटन अपनी यूनिवर्सिटी गए, 1 साल के अंदर उनको PhD की डिग्री दी गई थी, और उसके बाद जो है वो बहुत ही कम समय में उनको प्रोफेसर बना दिया गया था। तो न्यूटन जो थे, आप देखेंगे कि उनका जो 2 साल का सेल्फ स्टडी था उसका उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा, उन 2 सालों की जो स्टडी है उनके बहुत ही ज़्यादा काम आई थी, ठीक। इसी तरह की कुछ कहानी है आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन जब बहुत ही छोटे थे, कम उम्र के थे, तो वो डिसलेक्सिया बीमारी से पीड़ित थे। डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत सारे लेटर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो उस मूवी में जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है,
उस बच्चे को डिसलेक्सिया से पीड़ित बताया गया है। आइंस्टाइन जब स्कूल जाते थे तब उनके टीचर शिकायत करते थे कि ये जो बच्चा है वो बहुत ही वीक बच्चा है, ये बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है और अपने आप में खोया रहता है ना। तो मजबूरी बस आइंस्टाइन को स्कूल छोड़ना पड़ा। अपना स्कूल छोड़ करके वो घर पर रह करके पढ़ाई किया उन्होंने, है ना, घर पर रह करके पढ़ाई किया। बाद में उन्होंने बताया था जब वो काफ़ी फेमस हो गए थे तब उन्होंने कहीं लिखा था कि वो स्कूल में अपने खोए हुए क्यों रहते थे। खोए हुए वो इसलिए रहते थे क्योंकि वो चीज़ों को टीचर के नज़रिए से नहीं पढ़ना चाहते थे, वो अपने नज़रिए से पढ़ना चाहते थे। जब टीचर पढ़ा रहे होते तो वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते थे, है ना, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से सोचते थे, है ना, और इसलिए वो खोए खोए रहते थे। फिर एक घटना को उन्होंने मेंशन किया कि जब वो कम उम्र के थे तो उनके फादर नीडल कंपास लेकर के आए थे। नीडल कंपास आप जानते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में उसको रखने पर वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, है ना। तो उन्होंने इस घटना को देखा कि नीडल कंपास जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। तो उनको लगा कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई ऐसा ताकत है जो कि इस नीडल को घुमा रहा है ना। तो उनको लगा कि कुछ अदृश्य चीजें हैं क्योंकि वो दिख नहीं रही थी, है ना। हम लोग जानते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा जिसकी वजह से वो नीडल घूम रहा था, है ना। तो उस टाइम में क्योंकि वो बच्चे थे उनको पता नहीं था, है ना। तो उनको लगा कि कुछ अदृश्य शक्तियां हैं आसपास में, कुछ अदृश्य ताकतें हैं जिनकी वजह से इस कंपास को घुमाया जा रहा है ना। तो वो चाहते थे कि उन अदृश्य शक्तियों के बारे में पढ़ें, समझें, एक्सप्लोर करें, है ना। तो इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया साइंस में और फिर वो साइंस में मन लगाकर पढ़ने लगे। वो बहुत सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाया करते थे लेकिन साइंस और मैथ में जो है हमेशा अच्छा करते थे। बाद में फाइनली उन्होंने स्कूल जो है कॉलेज ज्वाइन किया था। तो जब बड़े हो गए तो उनका जो इंटेलिजेंस है उसको आइडेंटिफाई किया जाने लगा। जब स्कूल छोड़ करके वो घर पर बैठे थे उसी दौरान उन्होंने बहुत सारी सेल्फ स्टडी करी थी। उस सेल्फ स्टडी की वजह से आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी जिसका उन्हें आगे भी फायदा मिला, है ना। आप लोग H.C. वर्मा के बारे में जानते हैं, है ना, जिन्होंने बहुत अच्छी बुक लिख रखी है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिसको पढ़ करके हम सब IIT में सेलेक्ट हुए और आप लोग आज भी पढ़ते हैं, है ना। तो H.C. वर्मा का मैं कहीं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उन्होंने बताया कि 1975 में जब अपने देश में इमरजेंसी लगी थी उस टाइम में जो है 2 साल के लिए उनका यूनिवर्सिटी का एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो उन 2 सालों में उन्होंने घर पर बैठ करके बहुत सारी किताबें खरीदी और उसको पढ़ाई करी, है ना, जिसका उनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिन्होंने बुक लिख रखी है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उस बुक में भी उस 2 साल की पढ़ाई का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, है ना। तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था, वो 2 साल में उन्होंने जो पढ़ा उतना कभी पहले नहीं पढ़ा। वो जो सेल्फ स्टडी उन्होंने किया वो बहुत काम आया, उनके जीवन भर काम आया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको कभी भी आप नेग्लेक्ट नहीं करें, है ना। आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी रिसर्च होते हैं, जितनी भी डिस्कवरी होती है, जितने भी नए नए काम होते हैं, वो सेल्फ स्टडी की वजह से होते हैं क्योंकि वो इसी बुक में नहीं लिखी होती है, है ना। हालांकि हर रिसर्च के लिए कुछ बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड जो स्टडी होता है, जो थ्योरी होती है वो जानना होता है, उसके लिए लोग लेबोरेटरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, है ना, थोड़ा स्टडी करते हैं, है ना। लेकिन फाइनली जो है उन सारे चीज़ों का एनालिसिस वो घर बैठकर ही करते हैं, वो सेल्फ स्टडी से करते हैं। हिस्ट्री में आपने शेर शाह का नाम सुना होगा, शेर शाह सासाराम के रहने वाले थे। मैं अभी यहीं पर सासाराम में हूँ और एक छोटे से पहाड़ के आसपास मैं वीडियो बना रहा था। अभी आप देख सकते हैं मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ। यहाँ पर आपको ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, इनफैक्ट कोई भी आदमी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।